Assalamu alaikum, this is me Mariam Ehsan and welcome back another mini vlog. और कल एक मैंने छोटा सा vlog upload किया था और आज एक vlog upload कर रही हूँ. ये आपको मिलेगा आगे आने वाले days में. मैंने कल शायद बताया अपने vlog में कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और मैं अपने लिए कुछ dresses collect करने जा रही हूँ. मुझे एक पैसे जुड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि यार इसको क्या करना है तो कुछ ना कुछ ले आते हैं. मैं आपको अभी कपड़े दिखाती हूँ और कुछ ऑल्टर करवाने हैं. मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैंने शादी के बाद 3 सालों के अंदर अंदर ही 12 kg वज़न अपना इतनी जल्दी बढ़ा लिया. लेकिन माशाल्लाह ये भी एक अच्छी निशानी है कि आपके हस्बैंड आपको खुश रखते हैं. ठीक है, तो एक ये है, ये ऑल्टर नहीं करवाना, इसको रफ़ू करवाना है. एक्चुअली ये सूट इतना प्यारा है, इसके ना यहाँ साइड पर ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये कुर्सी के कॉर्नर में अड़ गया था. और ये एक मेरा फ्रॉक है, ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था स्टिच करवा के. ये अभी उल्टा है, इसको मैं सीधा करती हूँ. इसको सीधा करके ना मैं आपको दिखाती हूँ. मेरे पास ना ट्राईपॉड है ना स्टैंड है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें आप. ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक है, ये थोड़ा सा मुझे फिट हो गया, हालाँकि ये खुला ही सिलवाया था मैंने. और ये बहुत प्यारा है ब्लू कलर, आई लव ग्रीन, आई लव ब्लैक, आई लव मेहरून. मुझे डार्क कलर्स बहुत अपील करते हैं. शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, मुझे डार्क कलर इतने अपील करते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती. ये इस फ्रॉक की लुक है, ये ऐसा दिखता है करीब से. और ये मैंने कोई 3 साल पहले सिलवाया था और मैंने सिर्फ 2-3 दफ़ा पहना और माशाल्लाह शादी की ऐसी खुशियाँ चढ़ी हुई थी कि मैंने ऐसा वज़न बढ़ाया, अपना ऐसा वज़न बढ़ाया ना जिसकी कोई इंतहा नहीं. तो अभी मैं आपको दूसरे सूट भी दिखाती हूँ जो कल मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ और फिर दर्जी पे चलते हैं. बाय. मैं वीडियो बना रही थी और मेरी एक वीडियो मुझसे ही डिलीट हो गई बनाते बनाते. उस पोर्शन में मैं ये ऐड करूँगी और फिर आगे की वीडियो अपलोड करूँगी. बाय. जो मैंने ड्रेस ऑर्डर करवाने के लिए था वो ले आए हैं, तो मैं वो ड्रेस आपको दिखाती हूँ. बाहर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है. कौन आगे? ड्रेस आ गया. जो ड्रेस मैंने रफू करने के लिए दिया था वो आ गया. ये रफू करवाया मैंने यहाँ से ये, और शुक्र है कि पता नहीं चल रहा. तो ये मेरा एक प्यारा सा ड्रेस है. अगर वो ब्लू वाला ऑल्टर हो गया तो ठीक है, अगर वो ब्लू वाला ऑल्टर ना हुआ तो फिर इस ड्रेस को मैं वेयर करूँगी. और मैंने आपको पहले दिखा दिया तो फिर तैयार होकर आपको मैं अपना वो भी व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी. बाय. तो ये है आलू कीमा मटर, बहुत ही मज़े का बना हुआ है. अचार लेना था मैंने. अच्छा, ग्लास और पानी सब कुछ आ गया मेरे टेबल पे. और इसको अब नोश फरमाते हैं, घर का बना हुआ देसी अचार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मज़ेदार. रोटी शोटी मैंने खा ली थी. और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने ना कल कहा बच्चों से कि जो भी अच्छी ड्राइंग करेगा ना उसको मैं अप्रिशिएट करूँगी और बला बला. अच्छा, अब ना मैं यहाँ इधर कमरे से निकली हूँ और मुझे बच्चों ने कहा जी ये देखें जी हमने ड्राइंग फ्रिज पे पेस्ट कर दी है, क्योंकि मैं दीवारों पे पेस्ट नहीं करने देती, फ्रिज तो साफ़ हो जाती है. अब चेक करें, 3D चेक करें, इसलिए मेरा फ़ोन इतना वो नहीं है. मैं समझी कि इसने वाकई में कब बनाया, ये इसने स्टिकरों के साथ चिपकाया हुआ. तो मुझे इतनी हंसी है, इतनी हंसी है, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि उसने अपना दिमाग लड़ाया और उसको 3D बनाया. ओके जी, आप बहुत ज़्यादा थक गई हूँ खाना शाना खा के. लिटिल बिट कंफ्यूज भी होती हूँ अपने ब्लॉग बनाते बनाते, लेकिन प्लीज़ इसको जो है अप्रिशिएट कीजिएगा, मेरी मेहनत को सराहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय.
सूट देने में गई थी दर्जियों को, बट किसी भी दर्जी ने नहीं पकड़ा, बिकॉज हमारी सोसाइटी में लाइट का और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है अब एक हफ्ते से। कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। खैर किसी दर्जी ने भी जो है वो सूट नहीं पकड़े अभी, लेकिन कल फिर मैं एक ट्राई मारूंगी। कुछ दुकानें भी बंद थी, मुझे आइडिया नहीं था दुकानों की टाइमिंग का, तो ये है कि कल अब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं जाके चेक करती हूँ जो दुकानें बंद थी, क्या वो मेरा सूट जो दो सूट मैं लेकर आई थी वो पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। अभी जो अल्टर जो मैंने रफू करवाने दी हुई थी शर्ट वो लेने गया हुआ है, और अल्टर वाली शर्ट अभी अल्टर नहीं हुई क्योंकि वही बात है किसी ने पकड़ी ही नहीं। तो अब व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं अपने चैनल का क्या नाम रखूँ, कोई अच्छा सा नेम मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और आने वाले व्लॉग इंशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और मुझे ज़्यादा सारा प्यार चाहिए आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।